नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। देश में सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी है, जिसका सपना देश के लाखों बच्चे देखते हैं। और इसी उम्मीद में बच्चे बैचलर करने के बाद यूपीएससी परीक्षाओं में अपनी किस्मत आजमाइश करते हैं। तो कुछ लोग बचपन में ही ये तय कर लेते हैं कि उन्हें तो बड़े होकर बस आईएएस और आईपीएस ही बनना है। यूपीएससी की परीक्षाओं का एक स्टैंडर्ड होता है, यही कारण है कि इसे क्रैक करने में उम्मीदवारों को एक साल से करीब 6 साल भी लग जाते हैं। अब तक कम ही उम्मीदवार हैं जिन्होंने 21-22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। और आज हम आपको आईएएस अंसार शेख के बारे में बताएंगे, जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में इस परीक्षा को पास किया है। अंसार शेख लाखों लोगों के लिए एक उदाहरण है जो अपने लक्ष्य को लेकर फोकस होते हैं। अंसार ने महज 21 साल की उम्र में यूपीएससी सीएस परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बने हैं। इन दिनों वो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एडीएम के तौर पर तैनात है। अंसार का जन्म महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले के जालना गांव में हुआ था। उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और माँ खेतों में काम किया करती है। घर में आर्थिक तंगी थी, जिसकी वजह से उनके भाई को 7वीं कक्षा छोड़नी पड़ी और पैसे कमाने के लिए एक गैरेज में काम भी करना पड़ा था। पैसों की कमी के चलते अंसार की बहन की शादी 15 साल की छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। हालांकि अंसार पढ़ाई में अव्वल थे, इसलिए उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें पढ़ाई करने से नहीं रोका। अंसार को 10वीं कक्षा में 91% अंक मिले थे। 10वीं 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने पुणे कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की। तमाम कठिनाइयों के बावजूद अंसार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और दिन रात पढ़ाई करके यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और इस परीक्षा में उन्हें 361वीं रैंक हासिल हुई। तो ये थे सबसे छोटी उम्र के आईएएस ऑफिसर अंसार शेख, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आज ये मुकाम हासिल किया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।